अगला प्रदर्शन है पोल मलखम्ब। मलखम्ब भारत के सबसे पारंपरिक खेलों में से एक है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी तकनीक पारंपरिक है और इस पारंपरिक खेल से कई खेल तकनीक निकाली गई हैं। मलखम एक ऐसा खेल है जो पूरे शरीर के व्यायाम को सुनिश्चित करता है। मलखम के खिलाड़ी कुश्ती, जिम्नास्टिक, पोल वॉल्ट और अन्य खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। यह एक कला के साथ साथ एक खेल के रूप में भी माना जाता है। मलखम की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। महाराष्ट्र के अलावा यह पारंपरिक खेल प्राचीन हैदराबाद में भी प्रचलित था। मलखम उतना सरल नहीं है जितना यह लग सकता है। इसके लिए बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। पोल पर एक्सरसाइज करने के लिए जिम्नास्ट की आवश्यकता होती है, ताकि पोल पर संतुलन बनाने के अलावा घुमा, मोड़ना और खींचना जैसे विभिन्न कार्य किए जा सकें। मलखम शोधन, श्रेष्ठता, लचीलेपन की बड़ी मात्रा और सुपर रिफ्लेक्सेस की मांग करता है। इस प्रकार के इसमें खेल के रूप में मुख्य रूप से तीन रूप के मलखम प्रदर्शन किए जाते हैं, वो है पोल मलखम, हैंगिंग मलखम और रस्सी मलखम। मलखम एकमात्र ऐसा व्यायाम है जिसमें शरीर के सभी अंग सक्रिय होते हैं। तो आइए देखें मलखम प्रदर्शन। सबसे पहले मलखम एक्सरसाइज के तहत है मंदिर की आकृति का बनना। आइए देखें। बनाने के लिए वॉल्टिंग जंप कराया जाता है। वॉल्टिंग जंप से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रशिक्षुओं का विकास होता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को भिन्न भिन्न तरीके से वॉल्टिंग जंप कराया जाता है, जैसे ओवर स्प्लिट, थ्रू वॉल्ट, हेलो बैक, हैंड स्प्रिंग, क्रॉस वॉल्ट, फिश फ्लाई, समर वॉल्ट, डाइव वॉल, बैक फ्लिप। तो आइए देखें इन्हीं सब कार्रवाइयों का प्रदर्शन। Thank you.
ब्रेक अंदर।